हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने सेशन में। मैं हूं सचिन तोमर और हम हैं टेस्ट बुक सुपर कोचिंग स्कूल। तो बताइए क्या हालचाल है आप लोगों के, आप लोगों की हेल्थ कैसी है और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। उम्मीद है अच्छे से होंगे, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ज्यादा पैसे आप अपने भाइयों से नहीं लेंगी, ठीक है? मतलब ठीक है, ओके ओके ले लेना, कोई बात नहीं। तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना सेशन, जिसमें एक बार फिर से हम बात करेंगे हिस्ट्री के बहुत शानदार से कुछ क्वेश्चंस की। मगर इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर्स पर आगे बढ़ें, एक बार सेशन को कर दो शेयर। जिस भी एजुकेशनल ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए होंगे वहां आप लोग एक बार शेयर कराओ, इस सेशन को कर दो लाइक और चैनल कर लो सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने ऐसा नहीं किया है। तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को कर देना है लाइक और अपने दोस्तों को कर देना है इस क्लास को शेयर, ठीक है? अकेले अकेले सफल होने में कोई फायदा नहीं है, दोस्तों को भी साथ लेकर जाओ, ठीक है? चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना जो सेशन है उसे। आप सब लोग उम्मीद है कि सेशन को शेयर कर ही दिया होगा आप लोगों ने। तो बढ़ रहे हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिकंदर के आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट कथन सही है। तो आपको ये तीन स्टेटमेंट हैं, उन तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही स्टेटमेंट है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है कि सिकंदर ने आरबेला के युद्ध में डेरियस सेकंड को हराकर पूरे फारस पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसका सेकंड ऑप्शन है कि पोरस ने लिखा है कि भारत की शानदार संपत्ति ने सिकंदर को आकर्षित किया। इसके अलावा भौगोलिक जांच और प्राकृतिक इतिहास के प्रेम ने उसकी रुचि ने भी उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। इसका तीसरा ऑप्शन कहता है, तीसरा स्टेटमेंट है कि सिकंदर के आक्रमण ने मौर्य शासक के अधीन उत्तर भारत के राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित किया। तो आपको बताना है कि इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फोर्थ ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से एक से अधिक स्टेटमेंट सही है। पांचवा ऑप्शन कहता है कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड आंसर, कि भाई सिकंदर के आक्रमण ने मौर्य शासकों के अधीन उत्तर भारत के राजनीतिक एकीकरण को प्रोत्साहित किया था। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप लोगों ने ज्यादातर ने क्वेश्चन का आंसर ट्राई किया है सही करने का। तो बढ़ेंगे अपना दूसरे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत की किस नदी को एलेक्जेंडर और उसकी सेना ने पार नहीं किया था। तो देखो, पोरोस की यदि हम बात करें तो पोरोस को हराने के बाद सिकंदर उसकी वीरता से बड़ा प्रभावित होता है और वीरता से प्रभावित होकर उसी को राज्य सौंपकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर वो रुक जाता है व्यास नदी के किनारे पर। अब ऐसी सिचुएशन में उसके सैनिक उसे मना करते हैं कि भाई अब आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सी नदी है। मैंने आपको हिंदी में तो बता दिया है, या भारत में उस नदी को क्या कहते हैं, वहां उसका क्या नाम है, ये हाइफेसिस है या फिर अकेसिनस है, हाइड्रोडोटस है। उपरोक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ इसका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, कि भाई कौन सी नदी को अलेक्जेंडर और उसकी सेना ने पार नहीं किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हाइफोसिस। क्या होगा? हाइफोसिस। तो हाइफोसिस इसका बिल्कुल सही आंसर है, व्यास नदी है। प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम नहीं है, यानी कि आपको क्रम बताना है, आपको बताना है कि कौन सा अटैक पहले हुआ, कौन सा उसके बाद, फिर उसके बाद। तो ये तीन अटैकर्स हैं, आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है ग्रीक शक सुंग, दूसरा ऑप्शन है यूनानी कुषाण और सक,
तीसरा ऑप्शन है शक, यूनानी और कुषाण, और जो चौथा ऑप्शन है वो है यूनानी, शक और कुषाण। पांचवा ऑप्शन कहता है कि उपरोक्त में से एक से ज्यादा सही है या इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, सबसे पहले यूनानी, फिर शक और फिर कुषाण, कुषाण सबसे बाद में आए। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलो जी, बढ़ चलते हैं हम अपने एक और क्वेश्चन की तरफ। हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर कहता है, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले से हमें प्राप्त हुए हैं? आप लोगों को आंसर करना है। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले से मिले हैं? सोनीपत जिले से मिले हैं, भिवानी से मिले हैं, रोहतक से मिले हैं। ये उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन से हमें प्राप्त हुए हैं या इसमें से कोई भी सही आंसर इसका नहीं है। तो बता दो, इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले से हमें प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन मैं अपनी पहली कुछ क्लासेस में ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आप लोगों को तो आइडिया होगा ही इसका सही आंसर कौन सा आंसर है। तो चलो भाई, इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है रोहतक। रोहतक जिले से हमें इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के प्राप्त होते हैं। कहाँ से, कौन से जिले से? हरियाणा के रोहतक जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम किस प्रकार से है? सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक को किस नाम से पुकारा जाता है? आपको बताना है, बुद्ध शाक्या नाम से, देवन मापिया नाम से, धर्म शोक नाम से। उपरोक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। बताना है कि सारनाथ के अभिलेख में अशोक किस नाम से पुकारा गया है? अशोक को एक दूसरा नाम दिया गया है, तो देवन भी है इसका नाम है, धर्मशोक है, बुद्ध शाक्य है, या कौन सा आंसर इसका आप लोग कर रहे हो? जल्दी से आंसर करके बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है धर्मशोक। ज्यादातर लोग देवन भी है ये करने की ट्राई करते हैं जैसे ही ऑप्शन आता है, क्योंकि अशोक का क्या है कि अशोक को इस नाम से भी पुकारा जाता रहा है, और बल्कि अशोक खुद से कह रहा है, मगर सम्राट अशोक का जो नाम सारनाथ के अभिलेख में मिलता है वो देवन मापिया नहीं है बल्कि धर्मशोक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो धर्मशोक होगा। बढ़ चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ, मगर उससे पहले सिलेक्शन का धागा नाम की एक सेल हमारी बड़ी शानदार सी है। आपको झारखंड टेट महज 899 रुपये में प्राप्त हो रहा है। बिहार शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये रामबाण बैच आप लोगों को, आप लोग ले सकते हैं 1113 रुपये। डी ट्रिपल एसबी का बैच 3119, जिसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों है। ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी 2228, सी टेट और स्टेट टेट आपको मिल जाएगा 1336 रुपये का। अगर आप इससे भी ज्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा ये कूपन कोड। मेरा नाम सचिन है और सरनेम है टी, तो सचिन टी करके ये आपका एक कूपन कोड प्राप्त हो गया है। आपको लगाओगे तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको यही मिलेगा। तो रक्षाबंधन के इस उपलक्ष्य में तो आपको सफल होने का भी एक धागा यहाँ बांधा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है कि मौर्य प्रशासन में राजूक कौन रहे? राजूक कौन थे? कौन थे ये राजूक? बेसिकली एक ऑफिसर था, मगर कौन सा ऑफिसर था मौर्य प्रशासन में? ये प्रांतीय प्रशासक थे, जिला प्रशासक थे, नगर आयुक्त थे। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्या सही आंसर होगा? मौर्य प्रशासन में राजूक इनमें से कौन थे? तो इसका सही आंसर है जिला प्रशासक। मौर्य प्रशासन में राजयुग जिला प्रशासकों को कहा जाता है। ये वर्तमान समय के डीएम साहब हैं, या यूं कहें कि जो जिला अधीक्षक होता है वर्तमान समय में जिले में, ये वही उस समय के राजयुग कहे जाते थे मौर्य प्रशासन में। निम्नलिखित में से किस व्यापारी के उद्यम जोखिम भरे लेकिन अत्यधिक लाभदायक थे? इसमें से किस प्रकार के व्यापारी ने काफी ज्यादा रिस्क उठाना उनको पड़ता था, और जितना ज्यादा उनका रिस्क होता था
लाभ भी हालांकि उतना ही ज्यादा उनको बिजनेस में होता था। तो वो कौन से व्यापारी थे? वो नाविक थे, विक्रेता, कपीसा। उपरोक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। तो कौन से व्यापारी सबसे ज्यादा रिस्क उठाते थे और फिर उन्हें प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होता था? क्या लग रहा है आपको, क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है नाविक। तो नाविक सबसे ज्यादा जोखिम उठाते थे, भाई नाव के पलट जाने का, उसे लूट लिए जाने का, ये सबसे ज्यादा भय रहता था। तो मगर जब ये लंबी दूरी तय करते थे तो इनको फायदा भी प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बुलंदी बाग कहाँ का प्राचीन नाम है? एक जगह का नाम है बुलंदी बाग। तो आपको बताना है कि बुलंदी बाग इनमें से किस जगह का नाम था? कपिलवस्तु का, पाटलिपुत्र का, वैशाली का, उपरोक्त में से एक से अधिक, यह इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। तो बुलंदी बाग कहाँ का प्राचीन स्थल था? आपके आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स हैं, जो सबसे सही आंसर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का जो प्राचीन नाम है इसे बुलंदी बाग के नाम से भी जाना जाता था। सबसे पहले मगध की राजधानी बनाया इसको उदयन ने। अजातशत्रु का बेटा और बिंबिसार, वो बिंबिसार जिसने मगध साम्राज्य की स्थापना की, उसका पोता है उदयन, जिसने अपनी राजधानी राजगृह को बदलकर पाटलिपुत्र कर ली थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र पहली बार मगध की राजधानी उदयन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन सा शासक था जिसने द्वितीय सदी ईस्वी में सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, या यूं कहें कि उसको रीबिल्ड कराया, इसमें से किसने? यह है नापाहन ने, रुद्रदामन ने, कनिष्क ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। क्या सही आंसर लग रहा है आपको, इसमें से किस व्यक्ति ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? तो जल्दी से आंसर करके बताएंगे क्या इसका सही आंसर होगा। सुदर्शन झील का निर्माण दूसरी सदी में किसने करवाया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रुद्रदामन। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। चलो जी, बढ़ जाएं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ। हमारा एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोकन शिलालेख या अशोक का शिलालेख ये इशारा करता है कि उसने मृत्युदंड को समाप्त नहीं किया था? यानी कि कलिंग विजय के बाद जब उसने अहिंसा धारण की या हिंसा को पूर्ण रूप से त्याग दिया, अपराधियों को कई बार माफ कर दिया गया, युद्ध करने को मना कर दिया गया, जीव हत्या को मना कर दी गई, फिर भी अशोक ने अपने राज्य में मृत्युदंड को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया, ये हमें कौन से शिलालेख से पता चलता है? ये है पिलर एडिक्ट फोर्थ, यानी कि स्तंभ शिलालेख जो है चौथा, या फिर माइनर रॉक एडिक्ट, माइनर शिलालेख, या फिर रॉक एडिक्ट 12, 12वां शिलालेख। उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। क्या सही आंसर आपको लग रहा है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर है स्तंभ या पिलर एडिक्ट फोर्थ, स्तंभ शिलालेख। स्तंभ शिलालेख जो है फोर्थ, इससे हमें पता चलता है कि अशोक ने मृत्युदंड पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया था अपने राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था? किसको भेजा श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए? ये इजी क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से हैंडल कर सकते हो, आसानी से आप इसे कर लोगे। तो इसका सही आंसर है अश्वघोष, संघमित्रा एवं महेंद्र, मोगली पुत्र तिश्या, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। बताइए जल्दी से क्या सही आंसर होगा।
चलिए जी, आंसर आ रहे हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ने दिया है। तो इसका सही आंसर है संघमित्रा और महेंद्र, जो उसके संघमित्रा अशोक की बेटी थी और महेंद्र उसका बेटा। तो उन्हीं दोनों को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेज दिया था। तो बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त उपवास शब्दावली निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करती है? जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है या चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और उसकी बाकी व्यवस्थाओं के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, तो इसमें एक इस्तेमाल हुआ है शब्द उपवास। तो उपवास क्या बताता है? ये एक धनी कृषक के बारे में बताता है, भूस्वामी के बारे में बात करता है, काश्तकार के बारे में बात करता है। उपरोक्त में से एक से अधिक केस में से कोई भी सही आंसर नहीं होगा। क्या लग रहा है आपको, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका जो सही आंसर है वो है टेनेंट, यानी कि काश्तकार। काश्तकार वो होता है जो किराए पर, बटाई पर जमीन लेकर उस पर खेती करता है, वो है काश्तकार। क्वेश्चन नंबर है 13, भारतीय इतिहास में अशोक के 13वें शिलालेख को महत्वपूर्ण माना जाता है क्यों? 13वां शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है अशोक का, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि भाई ये जो 13वां शिलालेख है वो उसकी धम्म यात्रा के बारे में उल्लेख करता है, या फिर उसके समकालीन भारतीय राजाओं के नामों का उसमें वर्णन है, या फिर उसके समकालीन यूनानी राजाओं का नाम इसमें हमें प्राप्त होता है। और फोर्थ ऑप्शन है कि उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, और पांचवा ऑप्शन है कि इसमें से कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, एक से अधिक और कोई भी नहीं। क्या आपको सही आंसर लग रहा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, इसका करेक्ट आंसर है कि इसमें यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। 13वें शिलालेखों में अशोक के समकालीन कई सारी यूनानी शासकों के नामों का वर्णन हमें प्राप्त होता है, और इसी वजह से क्या है कि क्रॉस चेक हो जाता है। जब हम उसी वक्त की यूनानी किताबें पढ़ेंगे या वहां का इतिहास पढ़ेंगे और फिर भारत का, तो एक दूसरे से क्रॉस चेक हो जाता है कि कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें सही नहीं है। चलो जी, एक क्वेश्चन और है, वो और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में सम्मिलित है? स्वामी, अमात्य, जनपद, युवराज। तो निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य के 7 अंगों में शामिल है? केवल ए और बी सही है, ए और सी सही है, ए बी और सी सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, या इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। क्या आंसर लग रहा है आपको, प्राचीन भारतीय राज्य के 7 अंगों में से इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो जल्दी से आंसर करके बताओ क्या सही आंसर है। इसका आंसर है ए, बी और सी, स्वामी, अमात्य और जनपद, युवराज उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य प्रशासन में जो रिपोर्टर्स होते थे, यानी कि जो इंफॉर्मेशन देते थे राज्य के बारे में राजा, तो इन रिपोर्टर्स को क्या कहा जाता था? इन्हें नागरक कहते थे, प्रतिवेदक कहते थे, राजू कहते थे। उपरोक्त में से एक से अधिक सही है, या इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। क्या लग रहा है आपको, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? मौर्य प्रशासन में रिपोर्टर्स को क्या कहा जाता था बताइए, आपको क्या सही आंसर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रतिवेदक। प्रतिवेदक इसका करेक्ट आंसर है। मौर्य प्रशासन में रिपोर्टर्स को प्रतिवेदक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रतिवेदक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगस्थनीज के अनुसार एस्टिनोमोई प्रशासन, मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में से क्या थे? मेगस्थनीज के अनुसार एस्टिनोमाई मौर्य प्रशासन में क्या अधिकार रखते थे? ये मुख्य दंडाधिकारी थे, सेना प्रमुख थे, जिला प्रशासन के प्रभारी थे,
उपरोक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। तो मेगस्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, उसने भारतीय ऑफिसरों को यूनानी भाषा में, अपनी भाषा में लिखा, तो उसने किस अधिकारी को एस्टी नोमोई कहा? तो सही आंसर जल्दी से मुझे करके बताओगे, एस्टी निमोय, इसमें से कौन अधिकारी थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जिला प्रशासन का प्रभारी। तो जिला प्रशासन का प्रभारी था एस्टी नोमोई, यानी कि राजुक। इसे ही तो हम राजुक कह के आए हैं, तो इसे राजुक कह लो। राजुक को मेगस्थनीज ने एस्टी नोमोई कहा। क्या कहा? एस्टी नोमोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखो यहां पर एक स्टेटमेंट है और एक है उसका कारण। इन दोनों को ध्यान से पढ़ें और आगे चलकर इसकी इसका आंसर करें आप। इसका क्वेश्चन ये मैं पहले भी आप लोगों से पूछ चुका हूं, आपको बताना है। ऐसा माना जाता है कि अजात शत्रु ने 493 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या की। उसने कोशल को अपने राज्य में मिला लिया, जबकि वहां का उसका शासक अपना उसका खुद का मामा था। इसका जो कारण है वो कारण ये कहता है कि मगध के बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु मगध का शासक बनने के लिए आतुर था, और उसने अन्य क्षेत्रों को भी अपने राज्य में मिलाने के लिए ये सब किया। बताइए जल्दी से क्या सही आंसर है, क्या करेक्ट आंसर आपको लग रहा है दोनों में से? चलो भाई आंसर आ रही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन ए और आर, दोनों सही हैं, और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन है। देखो माना जाता है कि जो बिंबिसार है उसने 52 वर्षों तक राज किया। 52 वर्ष बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई बचपन में ही बैठ गया होगा, पैदा ही होते हुए बैठ गया होगा, यंग हुआ होगा तब जाकर गद्दी पर बैठा होगा। आप सोचो जब 52 साल उसको राज करते हो गए तो उसके बेटे की उम्र क्या होगी? लगभग इतनी ही उम्र रही होगी उसके बेटे की। तो जब वो खुद ही बूढ़ा हो जाएगा तो फिर गद्दी पर बैठकर क्या ही करेगा? तो अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर वो बैठा, और उसने खुद 32 साल राज किया, 32 ईयर्स। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आपको बताना है कि इनमें से कौन गलत सुमेलित है, इनमें से कौन सा व्यक्ति गलत तरीके से उसका मिलान किया गया है। ये है रुद्रदामन प्रथम, ये एक सब शासक हुआ। गोंडोफरनेस, ये पार्थियन राजा हुआ। कनिष्क जो है वो कुषाण राज शासक था, और कड़फिसिस इंडो यूनानी शासक था, और उपरोक्त में से कोई भी सही आंसर नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत तरीके से सुमेलित है। तो जल्दी से आंसर करके बताओ कि कौन सा गलत सुमेलित है। इसका जो सही आंसर है वो है कड़फिसिस, कि भाई कड़फिसिस इंडो यूनानी शासक था, ये गलत है। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब वो सही तरीके से मैच हो रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आपको बताना है कि शासकों के नाम वाले पहले सिक्के, इनमें से किसने जारी किए? पहले सिक्के जारी होते थे मगर उस पर अपने पूर्वजों का या फिर अपना नाम, राजा का जो नाम है, राजा ना तो अपना नाम लिखते थे और ना ही अपने पूर्वजों का नाम लिखते थे। सबसे पहले ऐसे नाम वाले सिक्के किसने जारी किए? इंडो ग्रीक्स ने जारी किए, गुप्तों ने जारी किए, मौर्यंस ने जारी किए। उपरोक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक यानी कि इंडो यूनानी राजाओं ने सबसे पहले ये सिक्के जारी किए थे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आपको बताना है कि इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले से हमें प्राप्त हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये सेम क्वेश्चन आप लोगों के सामने था, तो आप लोगों को इसका आंसर करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हमें किस जिले से प्राप्त हुए हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि भाई रोहतक जिले से हमें प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? रोहतक जिले से हमें प्राप्त हुए हैं। भाई जो हरियाणा पीजीटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं,
उनके लिए हमारे पास एक शानदार सा ऑफर है, और ऑफर ये कहता है, ये सिलेक्शन का धागा वाला अभी ऑफर है, और ये ऑफर ये कह रहा है कि भाई अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास मौका है 2499 रुपए में ये पूरा बैच ले लेने की और अपनी सफलता सुनिश्चित करने की। अगर आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आपको लगाना पड़ेगा ये कूपन जो है मेरा नाम सचिन और तोमर का टी। तो ये आपको बेस्ट परचेज करने के लिए ये कूपन कोड इस्तेमाल करो तो एक बढ़िया से रीजनेबल तो ये भी बहुत ज्यादा कम है अगर हम बाकी का देखें। तो ये थी आज की हमारी अच्छी सी क्लास, उम्मीद है आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई होंगी चीजें। सेशन को जाते जाते भी आप लोग एक बार लाइक कर दो जिसने अब तक लाइक नहीं किया है, और चैनल कर लो ये सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस यहाँ हर टाइम होती रहती हैं। मेरी क्लास तो होती है हर रोज 1 बजे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कल फिर मिलेंगे आप लोगों से 1 बजे। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, अभी ये फेस्टिवल है, राखी वाखी उम्मीद है आप लोगों ने बांध ली होगी, नहीं बांधी होगी तो अभी आप बांध लोगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल फिर दोबारा से इसी समय। तो सभी को गुड आफ्टरनून, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।